हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ जैसा नॉलेज के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि इग्नू के बारे में। इग्नू, अगर आपने इग्नू का फॉर्म भरा हुआ है, आपने बीए बीएससी या कोई भी इसके अंदर कोई भी कोर्स करते हो, तो उसकी जानकारी आप आसानी ऐसे ले सकते हो, कैसे पा सकते हो, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं आपको इग्नू के बारे में बताऊंगा, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, और इसके स्टेप बाय स्टेप सभी के सभी प्रोसीजर वीडियो के रूप में मैं लाता रहूंगा आपके सामने। तो इसमें सिर्फ बेसिक जानकारी इग्नू ऐप के बारे में बताऊंगा, और बाकी डिटेल मैं हर वीडियो में इसका फुल ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपने इग्नू का फॉर्म भरा हुआ है और आप उसकी पूरी जानकारी डिटेल लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको उसकी वेबसाइट को विजिट करना होता है। अगर आप एक ऐप डाउनलोड कर ले और उससे आप पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन डिटेल, कौन सा फॉर्म आपने भरा हुआ है, कौन सा आपका सब्जेक्ट है, क्या आपने असाइनमेंट जमा करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, तो इस का पता आप एक ऐप से लगा सकते हैं जिसका नाम है इग्नू मेट। तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से जाकर इग्नू मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको एनरोलमेंट नंबर होता है उससे लॉगिन कर और आपकी डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर आप पूरी जानकारी, पूरी डिटेल उस ऐप से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और जानते हैं वो ऐप कौन सी है और डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से। तो दोस्तों, मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जाकर सर्च बार पर जाकर सर्च करेंगे इग्नू मेट। इग्नू मेट लिखेंगे IGNOU और MAT इसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जो दोस्तों ऐप डाउनलोड हो चुकी है, अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालकर इसे लॉगिन कर लेंगे। मैंने करना होगा, सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। जैसे मैं अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर इसे लॉगिन कर लेता हूँ। एनरोलमेंट नंबर जो आपका रोल नंबर होता है, और उसके बाद कोर्स कोड जो आपका कोर्स कोड है, और उसके बाद क्या कर देंगे, साइन इन कर देंगे। मैं अभी करके इस ऐप को लॉगिन कर लिया है। अगर आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, सबसे पहले है इसमें होम पेज पे चले जाएं, रजिस्ट्रेशन करना हो, हॉल टिकट यानी आपको रोल नंबर निकालना हो, असाइनमेंट जमा हुई है या नहीं हुई है ये देखना हो, या फिर एग्जामिनेशन सेंटर देखना हो, आपको कौन से सेंटर पर एग्ज़ाम देना है उसका कोड यहाँ पर जान सकते हैं। कोई भी नोटिस नया आता है, कोई भी उसकी इग्नू की तरफ से कोई भी जानकारी आती है, नोटिस आता है, तो उसके आप नोटिस पर TW डेट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट डेट शीट, अगर आपकी कोई डेट शीट आने वाली है, आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर दिखा देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट सबमिशन स्टेटस, आपने जो फॉर्म भरा हुआ है वो सबमिशन हुआ या नहीं हुआ है, वो फिल यानी एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आपका एग्ज़ाम जून में है तो जून के बारे में देख सकते हैं, दिसंबर है तो दिसंबर के बारे में देख सकते हैं। इसमें आप ऐसे करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं इग्नू ऐप पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी ये पूरी की पूरी प्रोग्राम्स खुल चुका है। इग्नू के जो जो इसका अलर्ट्स आए हुए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस पर क्लिक कर अपना पूरा काम कर सकते हैं। तो ऐसा कर इस ऐप को डाउनलोड कर आप अपनी पूरी डिटेल जान सकते हैं, पूरी की पूरी डिटेल अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ना कोई आपको वेबसाइट पे जाना होगा, ना कहीं पर आपको गूगल क्रोम पर खोलना होगा। ओनली आप ऐप पर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद अपनी पूरी की पूरी डिटेल, अपने असाइनमेंट्स, अपने आपको क्या न्यू अपडेट मिला है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर, सब इस ऐप पर आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो बस इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।